जितनी हमारे पास पोर्ट का सारा ऑर्डर है सब कुछ है, पर उसके अगेंस्ट भी एकदम से आए हैं और ये सील करके चले गए हैं। कोई इनके पास ऑर्डरिंग को दिखाया था, हमने सब क्या बताया, जो हमारे पास स्टे है प्रॉपर कौरसी मेयर का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर, और ये कहते हैं हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, बस दैट। क्या कुछ नोटिस वगैरह इनकी तरफ से पहले कुछ नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, बस दादागिरी की इन्होंने कहा जी। आज कितने बजे आए थे, क्या पूरी बात क्या रही है? बात कुछ नहीं, बस आए हैं और साथ में पुलिस प्रोटेक्शन लेके आए हैं, तो बस कहते थे हमें सील करनी है, बस दैट्स इट। ये कह रहे हैं कि हमने उनको ऑर्डर्स भी बताए कि ये हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आपका जो केस है वो कितनी देर से चल रहा है? इसलिए 2 साल से चल रहा है। किस किस चीज़ का केस है ये? ये अब टेक्निकल रीज़न है, ये मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, वो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के बताया। पर हमारे पास कितनी देर पहले आपने ये बिल्डिंग बनाई थी और काम शुरू किया था विशाल नगर? काम शुरू कोई 3 साल पहले किया था, 2 साल से ये वर्किंग में है। इससे पहले कोई नहीं आया, एकदम से आए, ऑर्डर दिया, ये कहते हैं जी हमने सील करनी है बस। अभी कस्टमर अंदर है, सब कुछ अंदर है, स्टाफ अंदर है, और ये सील करके चले। यानी कि उन्हें भी निकलने नहीं दिया? उन्हें भी नहीं, नहीं कोई निकलने। अभी आपकी तरफ से क्या करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए जो भी होगा, एक तो अगेंस्ट करेंगे सब, म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे प्रॉपर। तो फिर से कोर्ट का दरवाजा, क्योंकि आपका वो तो प्रॉपर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो कोई है नहीं, सबसे ऊपर तो कोर्ट ही है। पर ये कहते हैं जी हम कोर्ट को भी नहीं मानते, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते। इसलिए जितना मुझे पता है, जितना मुझे यहाँ के ओनर ने बताया, क्योंकि पहले भी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कुछ नोटिस आया था, आज 2 साल से यहाँ पे बिल्डिंग जो है फंक्शनल है, यहाँ पे विशाल बेगमार्ट चल रहा है, इनके कमर्शियल नक्शे अप्रूव है, तो म्यूनसिपैलिटी का ऑर्डर आया, इन्होंने आके सीज कर दिया इस तरह से, जबकि ऑलरेडी ये मसला जो, अगर इन्होंने जो ओनर की तरफ से कुछ वायलेशन थी वो ऑलरेडी कोर्ट में मसला चल रहा है, इनके पास स्टेटस को ऑर्डर है कोर्ट का, तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से म्यूनसिपैलिटी को आके जो है बिल्डिंग सीज करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मैटर है वो कोर्ट में है, तो एक तरह से कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट भी आप बोल सकते हो, जब आपका ऑलरेडी एक मैटर कोर्ट में चल रहा है और आप दिन दिहाड़े आके इस तरह से आपने बिल्डिंग सीज कर दी जो ऑलरेडी फंक्शनल है। या तो अगर आपको सीज करनी थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी, आपको लग रहा था वायलेशन है, तो उस टाइम भी आपने सीज क्यों नहीं की? आज 2 साल के बाद जब ये बिल्डिंग चल रही है, फंक्शनल है, यहाँ पे अंदर 100-150 काम कर रहे हैं, एकदम से दिन दिहाड़े आके आपने त्यौहार के सीजन में आके आपने इसे सीज कर दिया, तो ये बहुत गलत स्टेप जो है म्यूनसिपैलिटी द्वारा जो लिया गया है, मुझे लगता है इसको रिवर्ट बैक करना चाहिए म्यूनसिपल कमिश्नर को इस तरह के ऑर्डर को, क्योंकि जब कोर्ट में मसला है तो इसे कोर्ट में ही आपको देखना चाहिए। कुछ ऐसी जानकारी है कि किस तरह का वायलेशन जो है वो बताया जा रहा है? देखिए वायलेशन क्या होता है, जब भी कोई बिल्डिंग प्रेमिसेस बनती है, कोई नक्शा अप्रूव होता है, सपोज आपको उन्होंने कहा है कि आपने 500 स्क्वायर फीट में बनाना है, आप तो 520 स्क्वायर फीट कवर कर लेते हो, तो उसके लिए क्या होता है, जब आपने कवर कर दिया उसी टाइम पे म्यूनसिपैलिटी जो है आके इसे सीज करती है। जब इन्होंने बोला ठीक है आपकी तरफ से आपको लग रहा है कि हमने कुछ वायलेशन किया है, हम उसका फाइन पे कर देंगे, वो केस जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, इस केस को भी 1-1.5 साल हो चुका है जितना मेरी नॉलेज में है, उसके बाद जो है कोर्ट में जो केस चल रहा है उन्होंने स्टेटस को दे दिया, यहाँ पे मतलब इनको ऑर्डर दे दिया कि जो जैसे फंक्शनल है इस तरह से फंक्शन करेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं कर सकता। उसके बावजूद जो है इन्होंने नोटिस सर्व किए बिना डायरेक्टली यहाँ पे आके जो है बिल्डिंग सीज कर दी, तो मुझे लगता है इसमें काफी लोगों का क्या इस तरह का कोई नोटिस पहले दिया गया था, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि हमें जो बात अभी जानकारी हमें मिली है वो बताया जा रहा है कि उन्होंने स्टे ऑर्डर तो दिखाने की कोशिश की, पर ये मान नहीं रहे थे कि हमें से नहीं मिला, उसके बावजूद भी सील। देखिए ये कहते हैं कि भाई हमें जो ऑर्डर दिया हमारी कमिश्नर ने दी है, हमें जो ऑर्डर मिला है हम वो करेंगे टीम। मैंने इन्हें कहा म्यूनसिपल कमिश्नर को बुलाइए मौके पे, जब आपके पास देखिए कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे सबसे ऊपर कोर्ट है, उसके बाद पुलिस और बाकी सब महकमे आते हैं, आप कोर्ट का मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वायलेशन मतलब ये कर रहे हैं, अपना कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का एक तरफ से, और आप देखो कितने लोगों का यहाँ पे रोजगार जुड़ा है, 100-150 लोगों का यहाँ पे रोजगार जुड़ा है, उनको भी आप बेरोजगार कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है, और त्यौहार का सीजन है, तो जिसने बिल्डिंग बनाई है उसने भी करोड़ों रुपए का कर्जा लेके बनाई है, तो जब बन रही थी तब क्या म्यूनसिपैलिटी की आंखें बंद थी? आज सबसे बिजी रोड है जम्मू का तालाब किलो, मेन रोड पे बिल्डिंग बनी है, अगर म्यूनसिपैलिटी को नहीं पता था वायलेशन हो रही है, क्योंकि उनके खिलाफ वर्जी ऑफिसर आते हैं, सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती म्यूनसिपैलिटी की भी है अगर ओनर की है तो, लेकिन इस तरह से सीज करना जो है वो सही तरीका नहीं है। तो आपकी तरफ से क्या डिमांड है? मेरी डिमांड यही है म्यूनसिपल कमिश्नर मैम से, अवनी मैम से, कि इसे जो आप खोल देना चाहिए जो आपने सीज किया है, अगर कोई प्रॉब्लम है जो कोर्ट में मसला चल रहा है उसमें कोर्ट में देखिए, इस तरह से सीज करना जो है सही निर्णय नहीं है। क्या ये 1 दिन में बन गया, क्या ये 2 दिन में बन गया, इसको बनने में कम से कम 2-3 साल लगे, ठीक है, तब ये डिपार्टमेंट कहाँ था, तब ये डिपार्टमेंट सोया हुआ था, अगर इनको सील करना था ये उस टाइम पे करते। आज ये लोग जो सील करने आए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप जम्मू के लोकल शहरदारी के लोग नहीं हो, आपको नहीं पता है पूरे आप परिवार को नहीं 400-500 हजार लोगों को उजाड़ रहे हो,
पहले ही कोविड के बाद लोगों की कमर सीधी नहीं हो रही है, बैंक लोन देने को लोगों को तैयार नहीं है। अगर आज बैंक ने इस वेंचर को लोन दिया है, आप उसको लोन रीपेमेंट करने का तो मौका दीजिए। जनाब, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि जम्मू के माहौल को, अमन और शांति को बनाए रखने के लिए इस सील को एज सून एज पॉसिबल खुलवाया जाए, ताकि जो इसके ओनर हैं उनको और एक यूथ को एक मैसेज जाए। इंडिया की अगर इकोनॉमी में आप देखें, हमारे मोदी साहब आज मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमारे इंडिया में टैक्स पेयर नहीं है, हमारे इंडिया में जीएसटी देने वाला बंदा नहीं है, इनकम टैक्स देने वाला बंदा नहीं है। अगर ये 2-4-5-10% लोग देने की कोशिश करते हैं, आप देने ही नहीं देते तो देंगे कहाँ से? देखिए, एक तरफ जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है काम करती है तो एक लोग वाहवाही भी करते हैं, और जब कहीं वायोलेशन भी होती है तो उस पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम। मैं अपना आपको एक जवाब दे दूं इस बात का, अगर म्युनिसिपैलिटी के साथ है, हम म्युनिसिपैलिटी हमारा एक परिवार है, हमसे बाहर नहीं है। म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर साहिबा, जॉइंट कमिश्नर जो भी हैं, ये हमारे परिवार हैं। ये कौन है? जम्मू के लोकल है ना, कोई बाहर, अगर बाहर के भी हैं तो बैन इंडिया क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं? अगर कोई बंदा महाराष्ट्र से आता है, पंजाब से आता है, वो हमारा भाई बंधु है, हमारे से बाहर तो है नहीं। मगर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब ये लोग कहाँ थे? तब जो ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया जाए, वो कहाँ थे तब? अगर आपने बिल्डिंग बनने दे दी, बेवकूफ बनाते हो पब्लिक को, जब बिल्डिंग बनने दे दी तब बंद करवाते ना। आज उसने 2-4 करोड़ का लोन ले दिया, आज आप बंद करवाने आ गए, तो ये लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हो? पब्लिक को आप क्या मैसेज दे रहे हो? आज आपको टैक्स कौन देगा? आपको क्या करेंगे लोग? कहाँ से इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? आज दस अगर कोविड के बाद भी आप ऐसी हरकतें करेंगे, पब्लिक को सीधे नहीं होने देंगे, तो जनाब आप मोदी जी के इस जो मोदी जी का आह्वान है ना मेक इन इंडिया, ये नहीं बन पाएगा। मोदी जी, मैं आपसे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बोलना चाहता हूँ कि जम्मू में अमन और शांति का माहौल बरकरार बनाए रखने के लिए इस बिल्डिंग की सील को तोड़ा जाए, ताकि एक लोगों में नया मैसेज जाए कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों के साथ है। अगर ये बिल्डिंग सीज होती है तो जिनके दौरान ये बिल्डिंग बनी है उनको तत्कालीन सस्पेंड करना चाहिए, ताकि पता लगे कि वो चोर कौन है जिन्होंने पैसा खा के ये बिल्डिंग बनवाई थी। विशाल मेगा मार्ट को तो सील कर दिया, देखा अपने लोगों द्वारा, और जो इनके ऑनर है इस विशाल मेगा मार्ट के नितिन, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास एक स्टे ऑर्डर भी था, आपने वो भी इनको बताया, लेकिन वो मान बिल्कुल भी नहीं रहे थे, वो सिर्फ ये सोच के आए थे, और साथ में पुलिस को भी साथ लाए थे कि इसे सील करना है, और वो सील करके चले गए हैं। अंदर भी देखा जाए, उन्होंने कहा कि हमारे कस्टमर्स अंदर हैं, और वो जो डोर है उसे भी सील कर दिया गया है रेड कलर की मोहर लगाकर, और यहाँ पर भी देखा जाए तो इस प्रीमिसिस का जो मेन गेट है उसे भी बंद कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है इनके द्वारा कि जब हमने ये बिल्डिंग बनाई थी, जब काम शुरू हुआ था और हमारा काम स्टार्ट हो गया था, उस वक्त क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई जो वो की गई? अभी जब हमारा काम रनिंग में है और जो त्यौहार का सीज़न चल रहा है, अभी हमें काम जो है कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से वैसे ही जो मॉल थे, दुकानें थे, कोरोना की वजह से बंद चल रही थी, और रिसेंटली अभी इनको काम करने का जो है मौका मिला था कि चलिए कुछ अर्निंग जो है वो होगी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा कहा जा रहा है कि गलत कार्रवाई हम पर की गई है, और अब हम इस पर जो है सीधे तौर पर कोर्ट में ही जाएगा ये मामला, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास स्टे ऑर्डर पहले का ही था। अब देखा जाएगा कि जिस तरह से इनकी तरफ से जो बातें कही जा रही है कि जीएमसी ने जो कार्य किया वो गलत किया है, क्योंकि जीएमसी ने तो लगातार इस तरह के कार्य वो कर रही है अपनी तरफ से, कहीं पर भी किसी भी तरीके की वायलेशन दिख रही है तो उस पर जीएमसी की कार्रवाई लगातार चल रही है। और आज यहां पर इस जो विशाल मेगा मार्ट है विकास लेन तालाब तिलों में, इसे भी सील कर दिया गया है। देखते हैं किस तरह आगे जो इसके ऑनर है वो अपनी बात रख पाते हैं, और कब ये जो ताला है, जो सील है, इसे खुलने का मौका मिलता है। फिलहाल दीजिए ज्यादा दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।